नरकंडा आ रहे हम। किया है नारकंडा तो वेलकम बैक गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है और सब रेडी हो चुके हैं जाने के लिए दूसरी जगह घूमने के लिए। और अभी हम चेकआउट कर रहे हैं अपना होटल। मैं हूँ शिमला में और अभी जा रहे हैं नरकंडा। यहाँ बर्फबारी देखने को नहीं मिली तो वहाँ जा रहे हैं बर्फ देखने के लिए। गाड़ी हमने बुक कर ली है और अभी चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। न्यू नरकंडा आ रहे हैं हम बर्फ देखने के लिए। और ये अपनी कल की तैयारी थी फ्रेंड्स, ये होटल था हमारा। अब हम जा चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बैग ने परेशान कर रखा है। रुक जा, मत भाग। हाँ तो अभी हम चल रहे हैं पहाड़ों की ऊंचाइयों से नीचे और ये हमारी चढ़ाई थी और यहाँ से अब फुल करना भी है। फिर हमारी गाड़ी नीचे इंतजार कर रही है और बाकी एक बार लास्ट लोकेशन देख लो। गाइस पेमेंट हो चुकी है, फोटो ले ले और सामान हो गया है और चल रहे हैं अभी नरकंडा और ग्रीन वैली पता नहीं कहाँ कहाँ। फ्रेंड्स अब निकल चुके हैं कुर्फी नारकंडा और पता नहीं कहाँ कहाँ और बर्फी बर्फ देखने के लिए हमने थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करी है। 3,500 रुपये में हमने कैब करी है, उससे निकल रहे हैं हम कंडा के लिए। और बाकी शिमला का लोकेशन आप लोग देख सकते हो। फ्रेंड्स एक बार ऊंचाइयों पे चढ़ो फिर एक बार नीचे उतरो, ये रह गया है। तो शिमला में घूमने में मजा तो आता है लेकिन चढ़ाई जो है ना वो मस्त मजेदार हो जाती है। पहुंच गए हम होटल पे, होटल वगैरह यहाँ पे है, खाने पीने का सुविधा है। और अभी देखते हैं, मैं अभी कुछ नाश्ता वास्ता नहीं किया, कभी खाने का फिश करते हैं। ऊंचाइयों से नीचे आते हुए जा रहे हैं और फिर ठंडी का माहौल इतना हो रखा है कि बाल इतने ठंडे हो गए नहाने खाने के बाद। मस्त ठंडा का मौसम हो रखा है, अभी बहुत नीचे जाना है। ओ भाई अभी और नीचे जाना है क्या? ओ भाई आराम से। तो गाइस तो कैसा फील हो रहा है शिमला घूम के आप लोगों को, कैसा मजा आया? अच्छा फील हो रहा है, सब अच्छा है। बोला अपना अपना एक्सपीरियंस दिखा दो, जा रहे हैं ना यहाँ से। ये चर्च वाला सीन अच्छा लगा, बहुत अच्छा, फोटो खींचा तो बड़ा जबरदस्त। और बट फोटो खींची नहीं है मेरी, बाकी देखते हैं बाकी कहाँ बर्फों की तरफ घूमेंगे। और अभी बहुत ऊंचाइयों से आ रहे हैं। फ्रेंड्स राइट नाउ अभी गाड़ी आ चुकी है और अब हम चल रहे हैं इसमें एक बार राइट नाउ और इस पे चल रहे हैं हम। आ रही है बारिश और हमारा सामान हो गया गाड़ी के ऊपर और गाड़ी के अंदर जगह बना रहे हैं कहाँ बैठना है। पानी नहीं आएगा फिर ना। राइट नाउ अब आगे हम चल चुके हैं और क्या भी आपने? हाँ जी हो गए, 3-4 महीने हो गए। अभी तक नंबर प्लेट नहीं मिली आपको? टैक्सी में लेट आती है, म्यूजिक तो लगा लेते। रफ्तार में ऊंचाइयों की से पहाड़ की तरफ हल्की तरफ। एक वाला आता है ना वो 3-4 आएगा। मैं ये कह रहा हूँ एक वाला आता है ना, ये हमारे भैया हैं जो हमें घुमाने ले जा रहे हैं। Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. तो अभी हम निकल चुके हैं तैयार होके आगे के सफर में, जिसमें कि आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे भैया? हम कुफरी जाएंगे। कुफरी में 4-5 पॉइंट है, वहाँ पे घूमेंगे। वहाँ पे एंजॉय करने के बाद में हम जो है जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नरकंडा जाएंगे जहाँ पे हैवी स्नो है। तो उसके बाद में फिर एक और पॉइंट है, वो भैया बताएंगे आपको कौन सा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है भैया? आगे जो सिद्ध
सिद्धपुर जहाँ बर्फबारी, हाँ वहाँ पे ज़्यादा ही बर्फबारी है। तो अभी ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए साथ में, देखते हैं दोनों मिलकर। Nauseous, believe me, never had a lot of shit come easy, had to work hard, struggle just to be me. तो अभी पहुंच चुके हैं हम ग्रीन वैली, जैसे कि आप लोग देख सकते हो लोकेशन एक नंबर लोकेशन है। टोपा ओपा खोल लू मैं, थोड़ा फोटो वोटो क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब रोड क्रॉस कर लेते हैं पहले, बस तो चल रही है। ग्रीन वैली का लोकेशन ये है और यहाँ पे बस जस्ट 5-10 मिनट के लिए बंदे आते हैं, और फोटोग्राफी के लिए एक नंबर लोकेशन है। जैसे आप लोग देख सकते हो, देखने में मजा मतलब एक नंबर लग रहा है। बाकी फोटो देखनी है तो हमारे इंस्टाग्राम पे देख लेना, इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा, जितने भी बंदे हैं सबकी फोटो वहाँ मिल जाएगी। ये हमारे सारे दोस्त हैं। कितना मस्त है ये, यहाँ पे अगर कूद जाए बंदा तो डायरेक्ट पहाड़ियों के अंदर जाएगा, है ऊपर जाएगा सीधा, और बाकी पापा के घर जाएगा। हार बहुत प्यारी लग रही है यहाँ पे रोड पे, जब चल रहा है और निकल गई आगे, जाम लगा हुआ है पूरे में। इज माय फोन एंड लुक एट Green Valley and click Green Valley से पार करते हुए अभी चले हैं हम रेस्टोरेंट के अंदर, थोड़ा बहुत खाना वाना करते हैं और फिर चलते हैं फटाफट टाइम से। जैसे कि मैंने दिखाया आप लोगों प्लेन मैगी मंगाई थी 60 रुपीज में मैगी, और ये हमारी चल रही है मैगी, और थोड़ा सा नाश्ता हो चुका है, नाश्ता खत्म हो गया अपना, अब चल रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do. Hello guys, तो अब हम अभी कुर्पी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है, वो रिटर्न में देखेंगे। अभी हम जा रहे हैं नरकंडा, तो रास्ते में जैसा कि आपको बताया था कि बर्फ़ मिलने वाली है बहुत सारी, तो देखिए आपको बर्फ़ दिखाता हूँ थोड़ी सी। Brandon down, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns, Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आगे अब बस जो नरकंडा है वो आने वाला है, और यहाँ पे पहाड़ियों में ये देखिए कितना फॉग है, ऐसा लग रहा है हम बादलों में आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपको फॉग दिख रहा होगा, ये ऐसा लग रहा है बादल नीचे आ गए हैं, हम बादलों में घुसे जा रहे हैं, बीच में धुआं ही धुआं दिख रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको सामने से स्नो गिरती हुई दिख रही होगी, शीशे पे भी दिख रही है स्नो है, मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। बहुत सही। बिल्कुल, देखो आपको स्नो दिखा दी मैंने, अभी तो और आगे जाने वाले हैं। अच्छा पार्किंग है ये, यहाँ से अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नरकंडा, अब बस भैया पार्किंग के लिए जगह देख रहे हैं आगे, और जैसा कि आपको अभी आगे क्लिप में दिखा होगा, बहुत सारी बर्फ़ आपको यहाँ पे मिल रही है देखने को, स्नो भी हो रही है साथ में,
इसमें सही तरीके से कैप्चर हो नहीं पा रही है, लेकिन स्नो हो रही है, बाकी आपको बर्फ़ तो दिख ही रही है। और दिखा देता हूँ, ये देखिए बर्फ सामने से दिखा दें, ये देखो ये देखो स्नो, और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, और ये थोड़ा थोड़ा सा सूरज भी चमक रहा है ऊपर से, और हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये सामने से एकदम मस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है, आगे से स्नो आती जा रही है जहाँ तक कांच तक रुक जा रही है जगह, हालांकि कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही है, मैं इसीलिए आपको बताते जा रहा हूँ। सामने से एकदम अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जब आप रियल में आप फेस करेंगे इस चीज़ को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये तो सिर्फ आप घर से देख सकते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको करने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, लेकिन एक्सपीरियंस वो अलग ही होता है, अपना खुद का होता है। यहाँ से सिर्फ आप जानकारी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। बर्फ़ आपको दिख ही रही है, अब तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो मिलने शुरू हो गई है साइडों में, लेकिन अभी हम एक्टिविटी एरिया में नहीं पहुँचे हैं, तो एक्टिविटी एरिया में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ। हाँ, उसके लिए हमें भैया बता रहे हैं कि ड्रेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन कपड़ों में हम जाएंगे तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे सही से, क्योंकि सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो उसके लिए एक अलग ड्रेस होती है, तो सबसे पहले हम जाके वो ड्रेस लेंगे, चेंज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको अभी आगे के ब्लॉग में मैं कंटिन्यू करूँगा।